सुमरण कर माँ गायत्री को सीता सावित्री शरणाए सुमरे सीतला मैं न पूरी की नदिया ईशन केरी मैदान सपनों दे दौ तेज सिंह को मठिया बनी थी शारदा क्यार नदिया ईशन गिर रेती में सुंदर भवन लौरी बनवाए और भोला सुमिरत झारखंड के अरे बैठित कुरा बलिया में जाए कृपा दृष्टि सुरजन पे रखियो बेड़ा खेल लगाइयो जपारे और सुमरे जखैया पेड़ तू बालो कहियर पेड़ पर गदा क्या बाबा की पाछित ताल झकोरा खाए और माह महीना की पूनो को मेला भारी ले लगाए और सुमिरण करके मैया बबुल को पूछा में सोयत पैर पसारे खार बैठी जाए और गहियर पिंडी अति पीपल की पत्ता लहर लहर लहरा है और पूज्य गुरु आधार चेतन के पद कमलन में ध्यान लगा है और सुमिरण करके सब देवतन को सुंदर के सिद्ध दे दर्शाए ओरे बंसी वाले श्याम भरोसो तेरो भारी है ओरे मुरली वाले श्याम भरोसो तेरो भारी आदर के बुजुर्गों प्यार करने के बच्चों सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से आल्हा में महोबे के सम्राट महाराज परमाल की लड़की चंद्रावल की चौथी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शायद है ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय हो। नौजवान साथियों, इधर तो महोबे के उस बाग में सभी लड़कियां झूला झूल रही हैं। इधर मैया मल्हना को अपनी लड़की जब चंद्रावली की याद आई, जिसकी शादी आज से 12 साल पूर्व बांधों के सम्राट वीर सिंह के लड़के इंद्रसेन के लिए की थी, और जिस दिन से मल्हना ने अपनी लड़की को डोली में बिठाया था उस दिन से लौट कर चंद्रावल ने अपनी मैया के देश के रूख नहीं देख पाए थे। क्या सोचने लगी मल्हना, आज मैया ठाड़ी अति अट्टा पे है और पागन को रही तिलहार
और झूला डरे हते बागन में मलहना रोई रोई रह जाए। और देखे तमाशो आज बागन खो मैयर छोड़ दैया डिडकार। और होती है पिटिया चंद्रा घर में मैं बाई झूला देती झूला है। और 12 साल बिटिया को हुई गई मैंने लखिया लाड़ लिया ना है। और बन गई निठुरैया जो महारानी अटा पे छोड़ रही डिडकारे। नौजवान साथियों इधर तो मैया मलहना की आंखों में आंसू हैं और तब तक देवे का छोटा पुत्र उदय मलहना के पास आ गया। माँ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जैसे ही उदल को सामने खड़ा हुआ देखा तो मलहना फूट फूट कर रोने लगी और रोकर क्या बोली, बेटा मेरी बात सुनो। और बहने तुम्हारी जो चंद्रा बलि ब्याही बांधो केरे मैदान। और 12 साल बिटिया को हुई गए सूरत लखिया आज मन ना है। और हिलकी भर भर रो बन लागी अटा पे छोड़ छोड़ डिडकारे। उदल ने जब ये सुना लगो ओठों पर मुस्कुराहट लाकर बोला, मैया मेरी बात सुन ले, छोटी सी बात के ऊपर तुम इतनी परेशान हो गई? ना 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 सुनो, मैंने को खेत जन्म लाओ दे बेटे पालन करो मलहंदे माए। और काली सवेरे के रमना में मैया फौजेली सजाए। और बहने अपनी चंद्रा बल को बागन झूला दिए झुलाए। और जिनके लड़का समृत हो गए पुरखन कौन पर परवाए। और घोड़ा पेंदुला को सजवा दे महारानी महोबे क्या रे। सिंह की का गिनती है दुनिया एक और हो जाए। और मारे टापन का बानों की दी है आज किला गिरा है। और बंधे बछेरा कट्टर पर गए बैठे जो न गए थुनिया है। जा फड़क रही है लड़बे को गुदरी मूल रही तलवार। लेकिन एक बात है, अब रोग नहीं, अगर रोया तो इससे बुरा और कोई नहीं होगा। दुर्गे या बेगी झूला बागन में झूलेगी बहना।
नौजवान साथियों, इधर खुले शब्दों में जब उदल ने मैया मल्हना को इस तरह से जवाब दिया, उसी वक्त मैया मल्हना ने उदल को अपनी गोद में बैठायो और जवाब दिया, बेटा उदल, मैं तुझे जाने के लिए आदेश तो दे दूं, मगर इतना ध्यान रखो, जब तक तुम महाराज परमाल से आदेश नहीं लोगे, तब तक मैं तुम्हें कदाप जाने की स्वीकृति नहीं दूंगी। नौजवान साथियों, आज देवे का ये छोटा पुत्र उदल मैया मल्हना की गोद से निकला और जाकर महाराज परमाल के पास पहुंचा और क्या बोला? आज धीरे धीरे उदल चल दे और पहुंचे राजा के ढंग जाए, चार कदम से करी थी नमस्ते, राजा ले गए शीश चढ़ाए। भुजा पकड़ के परमाल ने उगल गोद लो तो बैठा, हंस के राजा पूछन लागे, ओ देवे के राजकुमार, राजा सांची यदि ओरे बताए, बांधो गड़की पारे थी मैं, बहना मेरी रही थी भी लखाए, आज्ञा दे दो रन पंका को बहन की डोलिया ले मंगवाए। आज नाम सुनत खन गड़ बांधो को, मन पुरिया न पे परो तो तुसार, रोए क्या राजा बोलन लागे, ओ देवे के राज कुमार, और गढ़न की और मारे बेड़ी मार पघेले राय, जितने जय हो गढ़ पादों को सब को कफन ले मंगवाए। भोजन को नाए समार, दहशत खाए के वीर सिंह की मैंने चौथी चलाई अनाए।
साची अजान लई राजा ने यह हठरनी उदय सिंह लाल हजार जवान के अंदर उदल कर न लगो सिंगारे और सैयद चाचा ढेबा भैया सबने बांध लई रे तलवार और नाती अठारे और नौ लड़का जिनकी घरू घरा तलवार बोल दो है महुबे से लई बांधों की सीध लगा और चट के कोड़ा तद के भोड़ा धोसा हो तो गोल में जाए और पे लड़का देवे बालो रहो बांधों की ओर निहार उदल बोलन लागे चाचा पैया पर तुम्हारे और किला कौन के जे दिखत हैं जासो नगिन झूमे तलवार और हस के सैयद बोलन लागे बेटा सुनो बना फरलाल और जा राजधानी पृथ्वीराज की नामी शब्द वेद चौहान सुन पाई रन बंका ने डेरा उदल दहे लगाए और दहली वाले आज धूरे पे रुकिए फौज में होवे क्या आप इधर तो उदल दिल्ली में पहुंचे हैं। पृथ्वीराज चौहान की सीम पर इनने अपने डेरा लगाए। जी माहिल का हाल सुनिए। मामा को चेन्नई आज उदल पहुंच गए ते दहली में उत्तम महल के सुनो हवाल खुद बछेड़िया पैर चढ़ बैठे दे उरही के ममा परिहार माहिल ने पकड़ो दड़ा महुबे अख्यार राजा परमाल के फाटक पे पहुंचे उरहिया के सरदार और माहिल पहुंच तखन बंगला में तबला ठुकत बंद हो जाए पेटम ऐठा सब जान कर धधका लगत खले जाप जाए आज काना पूसिया भाई मैं फिल्म आए गए उरहिया तेरे सरदार मालूम पड़ते हमें अजियरा में बज है काऊ गढ़ पैर तलवार कोई कोई चल दे जंगल झाड़े कोई कोई भूमे करो दन लाग भोजा पकड़ के परमाले ने माहिल गद्दी पे लेते बैठारे के राजा पूछन लागे ओ उरही के सुनो सरदार कैसी कुशलियां है उरही में सुन का हम को दियो बताए तब
सासकिया माहेल बोलन लागे राजा साचिया दिए बताए कुशल कुशलिया है जऊ रही मैं सुख से राज मही बतराए और चारों ओरी को माहिल देखे धर धर दृष्टि को हिलिया क्यार ना को उदल जा को देखो तब राजा ते कही थी सुनाए कहां पे लड़का देवे बालू भेजो आज राजा परमाल गए थे उदय सिंह लाल और बहुत अकबर जो तोरे उदल को मानो नाए उदय सिंह लाल और जा सुन पाई अति माहिल ने तब मन ही मन करो विचार और मेरो महोबा मेरे बाबुल को सो परमालन लो छिनाए राम कुशैया को दिन आई है मिटी है कबे उदय सिंह लाल और आल्हा उदल जो कहूं मर जाए महुबे पे दखल ले करवाए करके पीर सिंह ते हम उदल को दे मरवाए और ये बात सच है लोगों ए माहेल मामा की चुगलिन में बार है बात भय परमाल और चुगली कर कर उन माहेल ने सब गढ़ कर दे पनिया धारे और तबे खाऊ से माहेल निकले पहुंचे दहली अकेले मैदान और डेरा लगे हते उदल के ऊपर नगिन झकोरा खाए आए गए मामा उरई वाले चौथी से चलेगी ना है और तोलो माहिल गए डेरा में हंस उदल ने लो बिठाए और हंस के उदल बोलन लागे मामा साथी दियो बताए कैसे आए तुम दिल्ली में रह रहे प्राण रहो ये मिलियाए और हंस के माहिल बोलन लागे लोहरे देव कुंवर के लाल और मदद हे तरानी मलना ने मोए बांधों को दो पठाए और सहजई बामो उदल चलियो सहजई चौथी दिए चलाए है भूमि रे भूमि तलवार
की जरूरत ना। चिरे खाई तलवार राजी अबाजी में राजा न माने गढ़बे तो परे दी है लगवार। अरे ऊंचो किला जो गढ़ बांधों को पै हम टापन सो दी है खसवार। नच है बेंदुला रण बंका को पाई बांधों के ममा मैदान तो हम लड़का देव कुमर के बहन की डुलिया कुली है मंगवा। नाना प्रकार से मामा माहिल को भला बुरा कहा, चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोई, चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट करा बतो दरवाजे पे लिली घोड़ी जा पहुंच गई जा। आबत देखो मामा माहिल को राजा ने आंगन में लो बैठा। अरे हंस के राजा सबदा भेदी बोलन लगो है धनी चौहान। कैसी उदासी तेरे चेहरा पे मामा उरहिया केरे परिहार। अरे हिलकी भर के रोबन लागे बे उरही के मामा परिहार। नौजवानों पृथ्वीराज ने ये पूछा, माहिल तेरे ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं, आंखों में आंसू लेकर ये नाला क्या कहने लगा। चौहान साहब, परु तुम्हार
मालूम पड़ती है मोई जियरा में, दिल्ली की कुशल जाती खतीना। आए जो लड़का देवे वालो दिल्ली शहर को ली है लुटवार, अरे जो तुम कुशल जो अपनी चाहो निकबाऊ दल को ले वो बधवार। खून के कतरे लेकर पृथ्वीराज बोला, अरे नालायक एक चरकर राजा पृथ्वीराज ने तब बामा हिलते के दई सुना, अरे दुनिया जानती तो कुमाहिल तू परिहार रे गुटैया तार। चुगलिया बामा नगर में सब गढ़ कर दे पनिया ढार, अरे काय को उदल दहली को लूटे माहिल मो को जाना है दिखला। मालूम पड़ती है मोई जिया रामे बांधो जात है उदय सिंगला, चंद्राबल की टुलिया काज उदल फौजन खुलाओ सजा। माहिल को ये जवाब देने के बाद पृथ्वीराज ने अपने बेटे ताहर को बुलाया और गोद में बिठाकर क्या कहने लगे, वत्स जल्दी चले जा तुम डेरा न कौन निकबाऊ दल को लइयो बुलाए, अरे कैसो लड़का दे बकुमर को हम बाने न सुलेवे निहार। ताहर पहुंच गए ते डेरन में और उदल ते कही सुनाए, तुमको बुलाए लो सतबादी ने तुम निक चलवे मुहो तैयार। हंस के उदले बोलन लागे सुनियो शब्द रे वेद चौहान, संग हमारे चाचा आए सैयद मियां बनारस हथियार। बिन सैयद चाचा की आज्ञा ताहर हम चलिबे के ना, जो मोए आज्ञा चाचा दे दे तो हम दिल्ली को होवे तैयार। शेर रे महोबे क्या, अरे हो समी रहियो और न बंका जू है दिल्ली अकोरे मैदान। घोड़ा पे दुला पेरे उदल है पहुंचो दिल्ली अकेरे दरबार, बत देखो मित्र उदल को राजा ने छाती सुलौ है लगा। कुशल कुशलिया मेरे समदी की उदल हमको दीजो बताए, हंस के उदल बोलन लागे राजा पैया पर तुम्हार। कुशल कुशलियां है रे महुबे में सुख से राज रजा परमार,
चौथी ले बे बहन चंद्रा की बांधो जात है उदय सिंगला मने हमारे में जय आबत है तुम ताहर को करो तैयार संग हमारे बे हुए जावे देखे बांधो कोरे मैदान साथियों इधर जैसे उदल ने महाराज पृथ्वीराज को यह जवाब दिया 12 वर्ष गुजर गई चौहान साहब मगर लौट कर बहन चंद्राबल ने महोबे के किला को नहीं देख पाया और मैया मल्हना बेटी की याद में बहुत शिशक रही इसलिए मैं अपनी बहन चंद्राबल की डोली लेने बांधों में जा रहा हूं और हमें आशा ही नहीं है पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ में अपने बेटे ताहर को जरूर भेजेंगे। पृथ्वीराज चौहान मुस्करा कर बोले उदल बात तो तुमने ठीक कही मगर बेटे एक विचार है हमारा। क्या? आज भुजा पकड़ के रण बंका की बोलत सब वेद चौहान और जो कहूं ताहर बांधो में जावे बेशक राड हो दे करवाए और महुबे बालिन सदा दुश्मनी समनी मानत बांधों के सरदार और तासे बेट हमारी और महुबे पालिन सदा दुश्मनी ओ महुबे पालिन सदा दुश्मनी मानत बांधों के सरदार से बेक हमारी ले जाओ मेरे समदी को दीजो गहार और जैसी बिटिया पर वाले कियो जैसी बिटिया पर वाले की तैसी लगत धनी चौहान असर भी पृथ्वी राज ने और उदल को दई कहा है जब चले जाओ तुम बांधो को चंद्रा की डोली ले मंगवा और हंसी खुशी में उदल बोले खुशी में उदल बोले राजा दिल्ली के चौहान नीचे मन से या क्या दे दियो जो मैदान फले तलवार कल सवेरे के रमना में बांधो शहर देखी जाए और
बारे में जय आवत है संगम जाए ममा परिहारे। जिस वक्त चौहान साहब ने जवाब दिया उदल अगर तुम माहिल को साथ लिए जाओ तो, एकदम उदल चौंक कर बोला ना ना ना, ये शब्द जो कहे चौहान साहब शायद आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? शब्द भले बुरे कहे महल बदले की आग में धधकने लगा। मन ही मन में संकल्प किया अगर मैंने तेरी जिंदगी को मौत में न बदल पाया तो मुझे महल मत कहना। और पूछ बोल दो है दिल्ली ते लई बांधो की सीधा लगाए और घोड़ा बेंदुला पे उदल है कल में ले नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल बांधों में पहुंचे हैं रात्रि भर डेरे में विश्राम करते रहे और सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ है सभी महोबे के जवान शौच इत्याद से निवृत्त होकर बैठ गए और बांधों के सम्राट महाराज वीर सिंह के लिए खत लिखने लगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु। बांधों के सम्राट महाराज वीर सिंह सादर स्नेह नमस्कार। और क्या लिखा? आरे सिद्धि श्री सबलागी कहो सबलागी कहो हमने तो लई है खत। मेरी बहना बिला खाती बांधों में गड़ा बांधों में महुबे में रोबत मलहना महातारी Thank you.
स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप जबादों के सताधारी। पाती को देखा वीर सिंह कहने लगे, कहां से आए तुम? हाथ जोड़ के हरकारा बोला, महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जरा आप इस खत को पढ़कर देखें। राजा ने पड़ी है समार, अरे नाम सुनो है जब उदल को या पुरियन पे परो तुसार। भेड़िया आएगो के गड़म महुबे को बांधो की कुशल मोई दीखत ये ना, गौरे गदिया पे ए ठापर गो जो पेट बेजा। सुरजन चेतन ने हिलपी सी बंद गई, बाजा पे कांप रे गए आधार।
पड़ी उदल को पत्र नबज कोहनी पे आ गई है। यारो पढ़ के उदल को पत्र नबज कोहनी पे आ गई है। पढ़ के उदल को पत्र न बज कोहनी पे आ गई है। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल वाला खत महाराज वीर सिंह ने पढ़ा, खत को पढ़ने के बाद राजा वीर सिंह के हृदय में धड़कने पैदा हो गई। अब क्या होगा? तब तक मंत्री आ गया। महाराज, आपके ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं? राजा वीर सिंह कहने लगे, मुस्कुराहट? सच बात तो यह है कि उदल जिस देश में अपने घोड़े को सजा कर गया, उस देश की, उस आंगन की, उस किला की खैर नहीं रही। और वही उदल बांधों के इस मैदान में अपनी फौजों को लेकर आया है और पत्र में साफ लिखा है कि अगर चंद्राबल की डोली महोबे के लिए नहीं जाती है तो बांधों की कुशल नहीं है। मंत्री कहने लगा, साहब इसमें घबराहट की बात क्या है? अरे आखिर महोबे वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अपने लड़के सूरज को भेजो और उदल को हर्षोल्लास में आंगन में बुलाओ। आखिर राजा परमाल ने अपनी लड़की की शादी की तो उसकी तुम विदा नहीं करोगे? नौजवान साथियों, राजा वीर सिंह अपने लड़के सूरज को बुलाते हैं और जवाब दिया, तुम इज्जत के साथ उदल को आंगन में ले आओ। तो चल दिया है सूरज। आज घोड़ा अपने को सजवाओ राजा वीर सिंह को लाले। देखो तो सूरज का उदल भेटत भोजा पसारे। और राम जुहार भैया आपस में जो कछो राज न करे व्यवहार। और हंस के सूरज बोलन लागे लोहरे देश राज के लाले। और तुम्हें बुलाए वीर सिंह ने सुनियो देव कुंवर के लाले। और जल्दी चलियो तुम बांधों को पाकज हो पड़ी दियो कराए। दर्शन को तड़पत है बाइन का दर्शन देव दिखाए। और कैसो लड़का देव कुमार को सबरो सैर ले दिखलाए। और हंस के उदल बोलन लागे सूरज साची दी है बताए। सैयद चाचा की आज्ञा सूरज हम चलवे के नाम। सूरज बोले तब सैयद से चाचा बन रस के सरदार। और आज्ञा दे दो तुम उदल को निक बांधों को देव पठवाए। रैयत दर्शन को तड़पती है पाक झोपड़ी देव करवाए।
मान ले हम ना भेज उदय सिंह लाल। और जो गिर जाबो मेरी पीठी